हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 4 हमारे मेघालय ट्रिप का। तो अभी सुबह सुबह हो गया, हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, 6 बजे करीब उठ गए। उठने के बाद थोड़ा देर हम लोगों ने सारा अपना सामान पूरा बिखरा हुआ था होटल में वो सब ठीक ठाक से थोड़ा समेट लिया। उसके बाद रेडी हो गए, सब सुबह सुबह पानी गर्म आ रहा था तो नहा भी लिया हम लोगों ने। अब निकलेंगे यहाँ से, लगभग पहले जाना है हम लोग डबल डेकर ब्रिज, तो वहाँ जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा चाय नाश्ता कुछ चाहिए क्योंकि भूख भी लगी हुई है। कल हालत बहुत ख़राब हो गई थी हमारी। अभी फ़िलहाल तो हमारे बाइक्स हमने लगा दिया, कोल्ड स्टार्ट कर दिया था इसको, गाड़ी गर्म हो गई है, चेन ल्यूब चेन क्लीनिंग भी कर लिया अपना गाड़ी का। अभी जो करना है वो है कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। लेकिन शायद डबल डेकर के वहाँ पे पार्किंग पे जाएंगे, वहीं पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना जो है सब मिला के 3 घंटे का ट्रैक है, जाने में 1 घंटा, आने में 2 घंटा। तो देखते हैं क्या होता है आगे, आज कितना टाइम तक हमारा शरीर हमारे साथ देता है। और हमारे मिठुंदा भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मोबाइल मिठुंदा का कल आईफोन, एक्चुअली उन्होंने पानी में थोड़ा एक वीडियो ले रहे थे तो आईफोन में इनका पानी घुस गया, और गिम्बल में भी पानी घुस गया। अभी हम लोग को एक वायरलेस चार्जर भी ढूंढना है, देखते हैं अगर मिल जाता है तो। चेरापूंजी में लगता नहीं है कुछ मिलेगा क्योंकि हालत ऐसा ही है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सामने ही बांग्लादेश है, बांग्लादेश चले जाते हैं, वहाँ तो कुछ मिल ही जाएगा। और हमारे शुभ भाई का फ़ोन पे आज भरोसा है, मेरे गोप्रो पे भरोसा है, और तो कुछ भरोसा वाला चीज़ है नहीं आज, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए गाइज, हम लोग चल निकलते हैं, अभी पहले डबल डेकर ब्रिज जाते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अपना डे 4 का राइड करते हैं शुरू, निकल गए अपने होम स्टे से। अभी पहले जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज, वहाँ पे पार्किंग करेंगे गाड़ी को, पार्क करते साथ ही हम लोग कुछ खाएंगे पहले, खाने के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं आज। वैसे सुबह सुबह मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वेदर बहुत क्लियर लग रहा है अभी सुबह सुबह, काश ऐसा रहे तो अच्छी बात है। वैसे चेरापूंजी का वेदर का कोई भरोसा तो है नहीं, हमें कभी भी ख़राब हो सकता है। तो देखते हैं आज, जो मैंने एक काम कर लिया कल जो नहीं किया था, भूल गया था, वो है ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया। चेरापूंजी के आसपास में नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि मैं तो बोलूँगा भाई, हर किसी को ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को। तो मैंने आज सुबह सुबह उठ के ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया कि नेट रहे ना रहे हम लोग अपना मंजिल तक जरूर पहुँच जाएँ। कल तो शुक्र हो वो दो भाई लोग का जिनके वजह से हम लोगों ने कुछ देख लिया, नहीं तो कल का दिन पूरा बर्बाद होना था हमारा। नैना का क्या कसूर, कसूर, कसूर। तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, तबीयत मेरा अभी भी ख़राब है। कल बुखार आ गया था, सर्दी भी लग गई थी, बुखार भी आ गया था, तो कल जैसे तैसे दवाई लेके चला है पूरा दिन मेरा। आज सुबह चाय पीते ही मैंने एक एक दवाई ले लिया, एक सर्दी का, एक बुखार का, क्योंकि वो थोड़ा अभी भी बॉडी अंडर है। तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, कहाँ तक चल पाते हैं। यहाँ से है डबल डेकर रूट ब्रिज 6 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एक्चुअली, तो जाने में टाइम लगेगा खासा, अच्छा खासा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, 20 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है मुझको। तो गूगल मैप्स हमें फिट भटका रहा है, गूगल मैप्स का भरोसा ही करना छोड़ देना पड़ेगा लग रहा है। अभी बीच में एक्चुअली वहाँ पे पीछे दिखा रहा था कि वो छोटा सा एक रास्ता था वहाँ से जाना है, बट कल बहुत भुगत चुके हैं वैसे, तो ऐसा शॉर्टकट्स ले नहीं लेना है मुझको अभी, और मिठुन को भी नहीं लेना है। तो हम लोग सीधे जा रहे हैं, आगे कहीं से डायरेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इतना अगर फेमस स्पॉट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं हो। जैसे हमारे वहाँ पे जो सिक्किम कैनिंगपॉम में जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी ऐसा है कि पूरा पेड़ है उसमें, तो आपको क्या होता है वहाँ पे पहाड़ फील नहीं होता। पहाड़ है ठीक है, लेकिन वहाँ पे पूरे पहाड़ पेड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पे जो पहाड़ है वो पेड़ों से नहीं, घास से भरा हुआ है, तो पहाड़ का पूरा व्यू जो है ना बहुत बढ़िया आता है। नॉर्थ साइड में जैसे पूरे बैरन होते हैं, पूरा नंगा होता है पहाड़ सारा, जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ उस साइड में पूरा नंगा होता है। तो हर एक एरिया का अपना अपना खासियत है, अपने अपने टाइप का लैंडस्केप है, एनवायरनमेंट है। हमारा आज का जो प्लान है, बोल सकते हैं कि हम लोगों ने ये मेघालय ट्रिप किया ना, ये पूरा ही अनप्लान्ड है, ठीक है, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया।
एक फितूर था दिल में कि मेघालय जाएंगे तो बारिश में जाएंगे, एकदम जुलाई के महीने में जाएंगे अगर जाना है तो, क्योंकि पूरा बारिश देखना है और सारे वाटरफॉल्स जो है वो एक्चुअली पूरी तरह से एक्टिव होते हैं ये बारिश के महीनों में। तो यही फितूर लेके निकले थे। अब कहाँ कहाँ जाना है एग्जैक्ट वैसा कोई मैपिंग हम लोगों ने मतलब एक रफ बनाया था, लेकिन कुछ नहीं, जैसे कल का जैसे प्लानिंग था हमारा वो सारा ही उल्टा सीधा हो गया प्लान। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, देखो अगर एडवेंचर करना है तो सब कुछ प्लान तो कर नहीं सकते, इसी का नाम एडवेंचर है। और अगर सब कुछ प्लान करके जा रहे हो तो उससे अच्छा टूर गाइड कर लो, टूर पैकेज कर लो, वो लोग आपको एकदम बढ़िया बढ़िया एग्जैक्टली जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ दिखाएंगे, तब और एडवेंचर करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ कुछ लोग बोलेंगे भाई प्लानिंग करके जाओगे तो इशू नहीं आएगा, वो तो इशू ऐसे भी नहीं आएगा यार, वो तो आपको अपना चलना है कि हाँ भाई ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला एटीट्यूड रख के चलो तो बढ़िया घूम सकते हो। मुझको भूख लगा है बहुत ज़्यादा। कल रात को जो खाना मिला वो खाना मिलने के बाद मैंने सोचा कि भाई ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा चिकन नहीं खाया। वो होमस्टे के जो ओनर्स थे उन्होंने बनाया था चिकन, मतलब चिकन को कैसे बनाया पता नहीं, इतना हार्ड हो गया था, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था चिकन। फिर सोचा कि यार बेकार में मैंने हमने ऑर्डर कर दिया, 200 रुपया लिया उन्होंने चिकन का, खाने लायक नहीं था, तो बहुत गंदा लगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। एक चीज़ मुझको चेरापूंजी में बहुत अच्छा लगा, जो शॉपकीपर्स हैं, जैसे कल हम लोग खाना खाने गए थे तो जो लेडीज़ थी, जो जितने भी सर्विंग लेडीज़ थी, जो भी वेट्रेसेस थे, जहाँ भी देखा सब लोग ट्रेडिशनल खासी अटायर में ही काम करते हैं। तो मुझको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि अपना ट्रेडिशन को लेके चलना। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे वेस्टर्न कल्चर थोड़ा ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो हम लोग अपना कल्चर भूल के दूसरा कल्चर के पीछे लग जाते हैं। बट यहाँ पे चेरापूंजी में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोग अपना खासी का जो उन लोग का क्लोथिंग है या सेंस है, जो कल्चर है, उसको ही वे लोग फॉलो करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। कहाँ दिखता है आजकल, मतलब इंडिया में तो जहाँ भी जाओ ट्रेडिशनल क्लोथिंग तो सब लोग भूल ही गए। जैसे मैं बंगाल से हूँ, हम लोग भी ट्रेडिशनल क्लॉथ, तो हमारे ट्रेडिशनल क्लॉथ में धोती होती है। धोती तो मैंने ज़िंदगी में दो बार पहना था, एक दिन शादी के वक्त और एक दिन शायद कोई फंक्शन में गया था तब, तो पहनते नहीं है कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग तो आजकल। तो हम लोग अल्टीमेटली सही रास्ते पर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने फिर से एक जगह रुक के थोड़ा पूछ लिया था, एक लोकल लेडी मिल गई थी मुझे, तो उनसे थोड़ा पूछ लिया बढ़िया से, तो सही रास्ते पे भी जा रहे हैं। अभी गूगल भी ऑटोमेटिकली सही रास्ता ले लिया है तो जो भी है जब मिलता है तब सब एक साथ ही मिल जाता है। इतना देर गूगल भी हमें धोखा दे रहा था, तो जब मिला तो गूगल ने भी सही रास्ता दिखा दिया और वो लेडी ने भी सही रास्ता बता दिया हमें। तो चलिए चलते रहते हैं, यहाँ से दिखा रहा है 10 किलोमीटर, तो पहुँच जाएंगे 10 किलोमीटर, मतलब 20 मिनट में तो पहुँच जाएंगे। गूगल बता रहा है 20 मिनट, मतलब रास्ते में कुछ तो जो गड़बड़ ज़रूर होगा, नहीं तो 10 मिनट बताता या 12 मिनट बताता। अभी लग रहा है जैसे मैं दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों में गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ का जैसा रास्ता है, बहुत नैरो और वाइंडिंग रास्ता जैसा होता हमारा उधर का, वैसा ही रास्ता है, तो संभल के थोड़ा चलाना पड़ रहा है। अभी हम लोग जा रहे थे डबल डेकर ब्रिज, बट रास्ते में बहुत बढ़िया कुछ दिख गया मुझको। ये देखिए पूरा, ये कौन सा जगह है यार, बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश दिख रहा है। कितना गोप्रो पे कितना आ रहा है मुझको नहीं पता, बट देखने लायक व्यू है। ये बांग्लादेश का व्यू है, यहाँ से पूरा प्लेन है, जैसे ये हिल्स यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं शायद, मेरा हिसाब से शायद ये हिल्स तक ही मेघालय का बॉर्डर होगा, उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है। जैसे देख सकते हैं पानी पानी दिख रहा है मुझको, यहाँ पर पूरा एरिया पानी से फ्लडेड है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया हम लोगों को व्यू दिख गया यहाँ पर, जो बांग्लादेश यहाँ से दिख रहा था, जहाँ पर वो पहाड़ी ख़त्म हो रही थी, जहाँ पे वो पहाड़ ख़त्म हुआ वहाँ से पूरा ही बांग्लादेश है और इस साइड में मेघालय है। देखिए यहाँ पे भी आपको वाटरफॉल्स दिख रहे होंगे, कितने सारे वाटरफॉल्स यहाँ पे,
छोटे छोटे हैं बट हैं। तो फ्रेंड्स पहुंचने ही वाले हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं तिरना विलेज। तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस होगा, पार्किंग करना है, कुछ खाना है और फिर चलते चला जाना है लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। तो एक्चुअली सारे बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो रास्ते भर में हम लोगों को बहुत बच्चे दिखे आज स्कूल ड्रेस में।